असलम नाजरीन तम देखे करी बोल्ड वाइस तो थारो मेज़बान मोहम्मद रफीक चौधरी थारी खिदमत में हाजिर। त नाजरीन चलिए एक नज़र आज की खबरों पर। तेलंगाना असेंबली एग्जिट पोल का नतीजा के मुताबिक बीआरएस ना तेलंगाना में हुकूमत तू बाहर होने को खतरो है तो कांग्रेस ना 60 तू ज्यादा सीटों पर जीतने को इम्कान है। जम्मू कश्मीर का पुलिस चीफ आरआर सिवन ने क्यों है कि सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्ट करने या शेयर करने के खिलाफ कानून लाया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जम्मू कश्मीर बैंक तो मुतालिक 6 जगह पर छापो मारे जिसमें बैंक का साबिक चेयरपर्सन की रिहाइश का भी शामिल है। अंजू जड़ी जुलाई में अपना फेसबुक दोस्त नसरुल्ला के पाकिस्तान गई थी, हाल ही में वापस वाघा बॉर्डर गरा वापस भारत लौट आई। एजेंसीज की तहकीकात तो बाद उसने अमृतसर एयरपोर्ट ले जाया गयो, उस तो बाद दिल्ली का वास्ते रवाना हुई। नेपाल साउथ एशिया को पहला मुल्क बन गयो है जिसने ऑफिशियली सेम सेक्स मैरिज ना रजिस्टर करन शुरू कियो है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसलो दितो है कि सोशल कास्ट सर्टिफिकेट ना डिप्टी कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर ही मनसूख कर सकेगो। यू फैसलो जस्टिस वसीम सादिक नारगाल ने एक अर्जी में जारी कियो। मरकज ने लद्दाख के लोगों के वास्ते कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फ्राहम करने के वास्ते संजीदगी के नाल तवज्जो देने को फैसलो कियो है। तमने कह तो चलो कि जनवरी में मरकज ने एक कमेटी बनाई थी जड़ी लद्दाख के लोगों के वास्ते जमीन ते रोजगार के तहफ्फुज़ के वास्ते मनसूबो तैयार करने के वास्ते कायम की गई थी, लेकिन इसना सिविल सोसाइटी के लीडर्स ने रद्द कियो थो। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक छोटा से कार हादसा ना ले गया, कैंपस के अंदर हुए इख्तलाफात तो बाद यूनिवर्सिटी का 5 मुलाजमा ना सस्पेंड कियो गयो है। मैदानी इलाका में हल्की बारिश थे, पहाड़ी इलाका में बर्फबारी तो बाद किश्तवाड़ सिंथन टॉप रोड हर किस्म के ट्रैफिक के वास्ते बंद की गई है। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट का डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने किया है कि मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट को खत्म कर गया, पाकिस्तान के वास्ते खेडन तो इनकार किया है। तमने कह तो चलो कि आमिर ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट तू दे अगले ही साल सारा फॉर्मेट तू रिटायरमेंट को ऐलान कियो थो। नाजरीन ये थी आज तैड़ी की खबर, तम देखते रहो बोल्ड वॉइस। कल इस वेला फिर मुलाकात वेगी, तब तोड़िया रखो अपनो ख्याल, दे इजाजत, खुदा हाफिज़।